लेकिन कीमत पूरी देंगे, लेकिन कीमत पूरी देंगे। राजगढ़ जिला भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी व किसान पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार खिलचीपुर नाका स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों और जिला भारतीय किसान संघ ने समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किए जाने के लिए 10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय राजगढ़ पहुंचकर अपर कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री गोयल को ज्ञापन में निम्न समस्याओं का वाचन कर समस्याओं में प्रथम तो प्रत्येक किसान का 2 लाख का कर्ज माफ किया जाए तथा ऋण मुक्त किसान का खाता नील कर ऋण मुक्ति सर्टिफिकेट दिया जाए। बैंकों में बंद पड़ी जेसीसी चालू की जाए। प्राइवेट बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए सभी प्रकार के 2 लाख तक के ऋण माफ किए जाए। सोयाबीन का बोनस किसानों के खाते में नहीं आया जिससे तत्काल दिया जाए। गेहूँ का बोनस अविलंब दिया जाए तथा समर्थन मूल्य में बेची गई उपज की राशि दी जाए। ब्याज खरीदी को ऑनलाइन शुरू किया जाए तथा खरीदी केंद्र की तरह ही रखे जाए। ग्रीष्मकाल उड़द एवं मूंग की खरीदी केंद्र शीघ्र प्रारंभ किए जाए। बोनी का समय नज़दीक आ रहा है, सभी सोसाइटी में खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए तथा उनकी गुणवत्ता की जाँच करवा कर खाद एवं बीज किसानों को दिया जाए। सरसों का भुगतान तत्काल किया जाए। तालाबों में मिट्टी निकालने की किसान को छूट दी जाए जिससे तालाबों का गहरीकरण होगा एवं जल भरण भी ठीक से हो सकेगा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री नाथू सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, जिला मंत्री, जिला भर के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा। ये भारतीय किसान संघ ने जो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया था वो केवल जो है दिखावा रह गया। किसी किसान के खाते में कोई 2 लाख गए ना 50,000 आए, केवल मात्र प्रमाण पत्र मिले लोगों को। तो इस विषय को लेकर के किसानों में बहुत रोष है, आक्रोश है। तो भारतीय किसान संघ ने उनके आक्रोश को ध्यान में रखते हुए और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज एक मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया कि 2 लाख का तुरंत निराकरण किया जाए, क्योंकि किसानों के खाद बीज वगैरह में काफ़ी समस्याएं आ रही है। सहकारी संस्थाएं भी जो है वापस जो है उनको नगद भी नहीं दे रही है और कई किसानों के जैसे प्राइवेट बैंक है उनमें भी जो है उनमें कर्ज माफ हुआ ही नहीं है। लेकिन सर अभी जानकारी मिली थी करीब 41 करोड़ रुपये यहाँ पे कर्ज माफी के डले थे, अभी तो वहाँ पे अभी किसानों के खाते तक नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है वो गए कहाँ, यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। सुना तो हमने भी था पर आए कहाँ, किसानों के खाते में आ किसान बताए हमें, केवल मैं भी कि एक किसान हूँ मेरे खाते में भी नहीं आए, केवल प्रमाण पत्र मिला मुझे भी। अच्छा ये है, इसको लेकर के भारतीय किसान संघ ने और भी है, बिजली की भी काफ़ी समस्या है, अघोषित कटौती चल रही है, बिजली की कोई समय नहीं। राजगढ़ से बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट।